देखा होगा तो सबसे ड्रामा कंपनी के सबसे बड़े किरदार और इस सदन में जोकर की संख्या अगर किसी को प्राप्त है तो उनको प्राप्त है, ना कोई नीति है ना स्टैंड है। यही हम लोग मुद्दों पर बात करते हैं, इस प्रदेश के विकास पर बात करते हैं, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, भौतिक विकास हो, सभी चीज़ों पर बात करते हैं। और किसी ऐसे व्यक्ति को जो जिसका चरित्र जोकर नुमा हो उससे उसके बारे में कोई कमेंट करना मानहानि का केस भी करने का दावा करना चाहिए उनको। विशेषाधिकार का मामला लाने के लिए आज कह रहे हैं कि बांग्लादेशी अब लाए ना, जो भी है लाए हैं, बांग्लादेशी के हित ऐसी तो नहीं है, लाना चाहिए। मनीष जी, इरफान जी का कहना है कि बीजेपी वाले बाहरी हैं इसलिए वो लोग हंगामा करते हैं। अभी क्या हम लोग अपना जो खतियान है वो कैप्सूल बना के लटका लें क्या? अगर आपको यही पसंद होगा तो हम लोग कल से जो अपना खतियान है कैप्सूल में लपेट करके है ले करके आएंगे। आपकी जो मांग है देखिए, कल मंत्री का एक ट्वीट आया है, हम लोगों ने देखा है उसको, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई हम लोग ये करेंगे तब देखते हैं। तो आपको ड्रामेबाज बताया है भाई, देखिए सबका अपना अपना, सारे लोगों का अपना अपना स्टैंड है। इस राज्य में अगर दमन हो रहा है, जिसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि 105,000 लोगों पर 107 करके उनको परेशान किया जा रहा है, मुख्यमंत्री को जरा उनसे मिल करके एक बार समझना चाहिए कि आखिर उन लोग परेशान हैं। कह देना ड्रामेबाजी। आज देखिए नियोजन नीति का पहला पॉइंट बहाली का ये आया है, और जो हम लोगों ने कहा था कि 40% बाहरियों के लिए रिजर्व कर दिया गया, 40% पूरे वर्ल्ड के लिए खोल दिया गया, यही है इनका चरित्र। अब वो तो छात्रों का विषय है, हम लोग भी उनके अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम लोग भी उनके अधिकार के लिए। भैया उनका, हम लोग उनको सनातन धर्म में उनका स्वागत करेंगे। पहले भी वो कोई ईशान तिवारी ही होंगे, जिससे बदल करके अभी वो हुए होंगे इरफान अंसारी हुए होंगे, तो उनको पुनः अपने धर्म में स्वागत करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।